आगे हैं जी, हम लोकेशन पे बस अभी पॉडकास्ट की जो है तैयारी समझ नहीं आ रही क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जा रहे हैं लाहौर कमल ज़ुल्कर्नैन की जो है वो पॉडकास्ट पर। तो मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ टाइम के साथ। मैंने कहा पहले मैं अपना शूट करवा लेती हूँ और साथ में बाल बनवाने के लिए। आप लोगों को पता है कि मैंने कहाँ जाना था, सिग्नेचर बाय रबिया पे, जहाँ पे मेरा मैं मोस्ट ट्रस्टेड मेरा अगर सैलून कहे ना सरगोधा में तो वो है, क्योंकि मुझे उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अब मैं सिर्फ सूट चेंज करना है, कैमरामैन का वेट करना है, रोज़ा भी है और फिर जाना है वहाँ पर। 3 बजे का टाइम दिया हुआ है, उम्मीद है कि हम टाइमली पहुँच जाएंगे। बच्चों की मैंने काफ़ी सारी तैयारी करके आज कैमरा जो है ना वो उठाया है। चाहे कुछ घंटों का भी ट्रिप हो तब भी एक अमीन देसी जो होती है उसने बैग लेके जाना ही जाना है। एक मैंने अपना एक्स्ट्रा सूट रख लिया जो कि पॉडकास्ट के बाद मैं चेंज कर लूँगी। हमजा वो बैठा, अभी हमजा ने अब जो है वो तैयार होना। हमजा नाश्ता कर लिया, चलो अब हमजा ने अपनी शर्ट भी नहीं ठीक की। और साथ में एजल के लिए मैंने थोड़े थोड़े जो गिफ्ट्स हैं वो पैक करवा लिए हैं, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर यही चीज़ें चाहिए होती हैं। रूशा उठ गई है, वो भी तैयार हो रही है। बस वो तैयार हो जाए तो फिर हमने निकलना है। सारे खुश हैं, एक्साइटेड हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग भी करेंगे वहाँ से, क्योंकि मलाइका को भी कपड़े उसके ईद के भिजवाने हैं। तो मेरा दिल है मैं वहीं पर जाके किसी ना किसी मॉल में देखूँगी कि कपड़े कौन से मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। और फाइनली जी मैं हो गई हूँ तैयार। ये वाला सूट इतना प्यारा लग रहा है। आज अगर मैंने ये पॉडकास्ट पे ना पहना होता तो ये वाला सूट मैंने ईद पे पहन लेना था। अच्छा ये मुझे कलर इस दफ़ा मेरे माइंड में इतना फिक्स हुआ हुआ था ना। अब आपको होगा कि ये सूट किस ब्रांड का, आप लोग चुप करके आ जाए मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, उधर ही मैंने आपको बताना। इस दफ़ा मैंने आपको ना इधर नहीं बताना। ये जिस ब्रांड का है मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है और इनके कपड़े बहुत ज़्यादा रीजनेबल होते हैं। तो आप लोग इनके पेज पर आ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आएंगे ना तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा। तो खैर मैंने नेकलेस थोड़ा सा इस तरह वाइट में थोड़ा हैवी लिया। कभी कंफ्यूज हूँ, दिल कर रहा है चेंज कर लूँ, कभी कहती हूँ नहीं ये अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि वीडियोस में कैसा आता है। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना अभी इंस्टाग्राम की पहले हम रील शूट करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि अभी 12:15 हो गए और 1 बजे मेरा टारगेट है कि मैंने हर सूरज जो है ना वो निकल जाते हैं। और कैमरामैन भी जी आ गया है, अभी जा रहे हैं हम सीधा पहले शूट कराएंगे। आज मैंने सुबह से मैं दुआ करी थी कि अल्लाह करे बादल बन जाए, बादल बन जाए। और मैंने दिन में क्योंकि आज शूट करवाना है, उधर से रोज़ा भी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमजा को अभी तक मैंने तैयार नहीं किया। अरुषा बहरहाल तैयार हो गई है और बहरहाल काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो तैयारी है वो हो गई है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़ भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। नूरीन भी इंतज़ार कर रही है कि बाजी जान दे मैं जल्दी से घर जा कर रेस्ट करा, है ना नूरीन। अच्छा काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते नूरीन किधर है, यार नूरीन इधर ही, आप लोग क्यों परेशान होते हैं, नूरीन कहीं नहीं जाती हमें छोड़ के। आज मेरी ज्वेलरी देखें पहले और मेरी देखें तैयारी है, मैंने भी आज राजू राज की ज्वेलरी पहनी। अच्छा मैं जा रही हूँ आगे फोटोग्राफर, ठीक है चल ठीक है, आप जाओ शूट करवा के आती हूँ। तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करना, मैं आऊँ तो बहुत तैयार हो। ये देखें इतनी क्यूट सी बालियां भी मुझे इंस्टा पे रिसीव हुई थी। और ये भी जी, ये प्यारा सा लड़के को मैंने तैयार कर दिया। हमजा एक्साइटेड हो? हाँ जी सही बात है, एक वेकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। मामा भी ग्लासेस लेके गई हैं और ये मैं बाबा बुला रहे हैं। ये देखिए गाइस मेरा बैग, ये कंफ्यूज होते हैं हम माए जो है ना काफी रिलेट करेगी। पहले मैंने ये वाला पर्स ट्रांजिशन में मैंने ये वाला यूज किया है, ये मैंने निकाला और अब ये दो मैं लेके जा रही हूं। बेस्ट है, अब सारी जो है वो कहीं ना कहीं रास्ते में करेंगे। इस टाइम हल्की हल्की प्यास लग रही है क्योंकि जो शूट है ज़ाहिर गर्मी में करवाया है, तो अफ्तारी वहीं पे जाके कहीं ना कहीं देखेंगे। यस बुफे में करेंगे यार, भूख तो लगती नहीं है। मामा मुझे तो लगती है नहीं, बुफे तो तुम खजूर खाती जाओगी बाकी पैसे उड़ गए बात। मानो मानो को हो गया शुरू के भाई, अब तो हम ये कहीं जा रहे हैं मुझे छोड़ के, और मानो जो है ना देखो शुरू हो गई है, ऐसे कितना हो रहा है। मैंने थोड़ी सी अपनी काम कर दिया, वीडियो हमारी बन गई है। मैंने बड़ी दुआ की कि अल्लाह करे धूप कम हो जाए तो मेरी वीडियो जो है ना वो अच्छी अच्छी बन जाए, लेकिन आधी दुआ कबूल हुई आधी नहीं हुई। और बच्चे बाकी सारे अंदर जो है वो गाड़ी में, बाल मैंने सारे आगे कर लिए हैं क्योंकि पीछे से मेरे कर्ल्स जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। बेल्ट शेल्ट लगा लिया, दुआ पढ़ ली, अब बस हम सीधा निकल रहे हैं लाहौर के लिए। हमजा परेशान है कि रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिलना। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे का तो सफ़र है, फिर इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं जाएंगे। अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि मलाइका के जो ईद के ड्रेस लेने हैं ना वो बंदा कहाँ से ले। अरुषा मानो को खोल के बैठी, मानो कूदना पड़े पूरी बेटा गाड़ी में तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यार तो वैसे मेरे बालों का रंग कितना प्यारा आ रहा है, थैंक यू। अच्छा ये देखें, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को दराज से बताती रहती हूँ ना, इन्हें खुद मैं पर्सनली कितना यूज़ करती हूँ। ये देखो ये वाला लेदर टिशू बॉक्स है यार, ये गाड़ी में कितना प्यारा लग रहा है। और ये वाला ज्वेलरी बॉक्स है जिसके अंदर मैंने ज्वेलरी अपनी चेंज करके ना दोबारा से इसके अंदर रख लेनी है। इनका जो लिंक होगा हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा,
और ये वाला जो है ना, ये मैंने डस्टबिन लिया था, कार डस्टबिन, ठीक है, ये भी आपको दराज से मिलेगा, प्लास्टिक में है। कितनी यार ये कमाल की चीज़ें हैं, तो आप लोग ज़रूर इस लिंक से मंगवा लीजिएगा। ये देखें जी, अब हम आए हैं इधर पेट्रोल डलवाने। मामा अभी से थक गई हैं, नींद आने लग पड़ी है। इतनी मेरी बुरी आदत है कि मुझे सफ़र में नींद नहीं आती, लेकिन अब मैं डल हो रही हूँ, लेकिन इट्स ओके। अभी क्योंकि मैंने अपने लिए छोटा हैंडबैग रखा था, तो मुझे ज़ाहिर परफ्यूम चाहिए था, इसमें बड़े में तो आता ही नहीं है बड़ा परफ्यूम, तो ये वाली रीफिल बॉटल्स जो हैं ये आपको दराज से मिलेंगी यार। इन पे बहुत अच्छा एक तो डिस्काउंट है, और ये बड़ी यूज़फुल है, और नो लीकेज, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी का जो भी परफ्यूम हो वो इसके अंदर रीफिल कर सकते हो। और ये देखें, ठीक है, और काफ़ी अर्सा चल जाता है। ये देखें, ये टिशू बॉक्स जो है ये भी दराज से आया है। ये चीज़ें मैं जब इनमें बैठी होती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इससे ये है कि आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा। लिपस्टिक मैंने कर ली है फ्रेश, अब हम बिल्कुल पहुंचने लगे हैं, लोकेशन हमने लगा ली है, अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। टाइम तकरीबन मैंने उनको 3:30 का दिया था, और 3:33 हुए हैं, और हम पहुँच गए पूरे टाइम के ऊपर। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं टाइम के ऊपर, जब मैंने किसी को टाइम दिया हुआ ना, और मैं टाइमली पहुँच जाऊँ, बस इस बात पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। तो अब बाल चाल पीछे कुछ ये वाली एक साइड पीछे कर देंगे, कुछ सेट सूट होकर बैठ जाएंगे, तो कमल से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, तो बाकी अल्लाह खैर करेंगे। आगे हैं जी हम लोकेशन पे, बस अभी पॉडकास्ट की जो है वो तैयारी हो रही है, और एक्साइटेड हूँ। अब प्यास लग रही है, कोई मसला नहीं है, वैसे हूँ तो मैं एक्साइटेड हूँ, परेशान नहीं हूँ ज़्यादा। नहीं, मैं तो सुबह अपने शूट करवाया, पहले मैंने सरगोधा से अपना शूट करवाया, नया ड्रेस पहना ना, तो इंस्टाग्राम पे कमेंट में कंटेंट आ गया। मैं आमिर भाई को मिल गई, मैंने कहा आमिर भाई पतला पतला लेना, अपने आप को अपने बच्चों के साथ। मेरी बड़ी बेटी जो है वो 20 साल की, तो मैं जब आपको और आपकी मदर को देखती हूँ ना, तो आपको भी बिल्कुल गाने गाने आपकी मदर ही है ना, सगी अम्मा, वो शक्ल से मिलती है, लेकिन मुझे वही से होता है कि वो मदर ही है। लेकिन मैं समटाइम सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये ना शायद बहने ना हो, आपा क्यों कहते हैं, और वो यूट्यूबर भी हैं, इंस्टाग्रामर भी हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और आगे आप बताएं, आप भी थोड़ा बहुत अफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, और फटाफट मैंने ड्रेस चेंज की है, अब हम जा रहे हैं अफ्तारी करने के लिए। बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही, काफी ट्विस्ट आए, 6 दफा तुम्हारे कैमरे बंद हो गए, और वो कह रही थी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा मैं आऊँ और कोई नया काम ना हो, लेकिन अच्छे अच्छे लगाए कि आप लोगों ने जरूर देखने। और अभी जी हमें कमल ने इनवाइट किया है खाने पे, तो अभी हम अफ्तारी करेंगे उन्हीं के साथ, और खाना भी उधर ही खाएंगे। अब काफ़ी सारा रोज़ा जो है वो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना अच्छे से हमारा सारा काम हो गया, सफ़र भी अच्छा रहा। फ़ौरन से मैंने चेंज किया, मैंने कहा मैं इजी हो जाऊँ, क्योंकि मैंने मॉल में ऐसे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे में फिर रहे नहीं जाना, तो अभी हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम जा रहे हैं सीधा लोकेशन पर खाना खाने के लिए।
और अभी जी हम अफ्तारी करने लगे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इनवाइट किया। एजल के साथ, एजल के साथ हम खा रहे हैं अफ्तारी। रुशा मजा आ रहा है ना? जवाब नहीं है मेरे बच्चों को जितना खाना खाने के लिए फाइनली उठ गई हूँ। समझ नहीं आ रही क्या खाऊं, समझ नहीं आ रही। अभी हम प्लेटर लेके फिरेंगे, दूसरी वैसे हमारी शिफ्ट है, लेकिन आपने कहा कि आपने अच्छा खासा फिरना है और ढूंढने के क्या खाना बस आ रही है। मुझे प्यारे से मेरे सब्सक्राइबर्स मिले, थैंक यू सो मच। शाये है मेरे बच्चे कहते हुए मैंने अपनी और अमरा की एक ही प्लेट बना दी है। मैंने कहा खा गई, मैंने दो दो प्लेटें इकट्ठी हुई खाने। थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि हम मीठा ना खाएं? तो मीठे में अभी मैंने ले लिया है ये ढेर सारा मीठा। अब मैं मीठा खाऊंगी, फिर हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। हमें शॉपिंग पे जाना है और सारे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। उषा वो बैठी हुई है, अपना लगी हुई है। और बस अभी हमदा ने भी सबने अफ्तारी कर ली है। अब अल्लाह हाफिज़ कहिए कमल को, सबको। रजब की भी पूरी फैमिली आई थी, उनसे भी मैं मिली, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी जब हम बाहर आए हैं तो मुझे लगा मैं साड़ी गड्डी टूट गई, उन्होंने दूर पार कर दी। तो इतना ज़्यादा रश था और इतना मज़े का बुफे था, तो मज़ा आ गया। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हम दोबारा बुफे इधर ही करेंगे। गाड़ी आप वो लेके आ रही, मैं तो डर ही गई, मैं गड्डी गई। तो बाय बाय कर दी है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सीधा एम्पोरियम, 20-25 मिनट हमें लगेंगे, हम पहुंच जाएंगे। और एक घंटा है, 9 बजे तो 9:30 बजे पता मॉल भी बंद हो जाता है। कुछ ईद के कपड़े देखेंगे, अल्लाह करे ऐसे चुटकी में पसंद आए तो ले लेंगे। यार माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं आज कमल से और जुल्कनैन से फर्स्ट टाइम मिली हूँ। वो इतने लविंग हैं, वो इतने प्यारे हैं, अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे। वो इतने अखलाक वाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो इतने अखलाक वाले हैं कि लिटरली मैं खुद हैरान हो गई कि माशाल्लाह वो इतने लविंग हैं। और बेटी तो फिर माशाल्लाह सबकी जान है, वो इतनी माशाल्लाह क्यूट है। मैंने कहा यार इसकी नज़र उतारा करें और अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे। बहुत मज़ा आया मैं इफ्तारी करके, थैंक यू सो मच। अब हम जा रहे हैं सीधा एम्पोरियम। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए जो हम माएँ करते हैं। अच्छा हमदा के लास्ट वीडियो मैंने सर्दियों के कपड़े लिए थे ना, वो भी थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं, तो बड़े से मैं नहीं से बड़ा नहीं से छोटा बड़ा। बस ज़्यादा एक तो रश है, राज्य के रश है यहाँ पे। और अभी तक कोई सूट हमें पसंद नहीं आया, उसको भी कोई पसंद नहीं आया, मलाइका के लिए भी कोई पसंद नहीं आया। एक मुझे मारिया भी पे ड्रेस पसंद आया था और उसमें साइज़ ही नहीं है। अब मैं जाके ऑनलाइन ही चेक करूँगी, लेकिन एथनिक पे सेल है, मैं दोबारा से जा रही हूँ, शायद कोई चीज़ यहाँ पे पसंद आ जाए। रश माशाल्लाह ईद का है ना, तो ईद के दिनों में इतना ज़्यादा ये देखें रश है। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा एथनिक पे, तो हमने जूस वगैरह जो है वो ले ली है। अब मेरे हस्बैंड और हमजा घूम गए हैं, अब हम उनको ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो भी काम नहीं कर रहा, उनका भी फ़ोन नहीं मिल रहा मेरा, उनके साथ कोई रास्ता नहीं हो रहा। लेकिन ठंडा ठंडा स्लश मैंने ले लिया है, अनुषा ने भी ले लिया है। अब हम जा रहे हैं सीधा उस साइड में। भाई ये इस टाइम आवाम का रश है, ये हूँ मैं। अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि मॉल बंद होने लगा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अभी हम स्लश रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपना ब्लैंकेट अपने साथ ले लिया, हम आ गए हैं जी गाड़ी तक। अब हम बैठने लगे हैं और अब हम निकल रहे हैं सीधा सरगोधा के लिए। सिर्फ रास्ते में रुकेंगे, चाय पियेंगे और कुछ भी नहीं। लाइका के मैंने कपड़े ले लिए हैं, हमजा के ले लिए हैं, बाकी हम सब के रह गए। मैं सरगोधा से लूँगी क्योंकि मैंने मलाइका को पहले कपड़े भेजने, और इसलिए मेरा दिल था कि मैं मलाइका के देना सबसे पहले।
अभी जी मोटरवे पे हैं और हम जा रहे हैं सीधा चाय पीने के लिए, क्योंकि आज पहली इफ्तारी थी जिसमें मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतना मज़ा आया इफ्तारी पे, मुझे लगा ही नहीं कि शायद मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मुझे चाय का भी होश नहीं रहा। तो अभी हमने चाय पीनी है, फिर हमने जाना है सीधा जो है वो घर, सैरी करेंगे, आराम से सोएंगे, सुबह उठे देंगे, देखेंगे क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजर गया। वन डे ट्रिप थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा है वहाँ पर ना रजब की भी फैमिली आई थी, मैं उनसे भी मिली तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, स्पेशली उनकी अम्मी से मिल के ना, उनके पास मैं काफ़ी देर बैठी रही, हमने काफ़ी बातें की लेकिन मैं क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड थी उन सबसे मिलने के लिए। तो उनकी भी फैमिली माशाल्लाह बड़ी स्वीट है, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के ना। तो वहाँ पर हमें इतने सब्सक्राइबर मिले और सब कह रहे थे आज तो भाई इतने ब्लॉगर्स आए हुए हैं यहाँ पे, कमल आई हुई है, राशिदा आई हुई है, रजब की फैमिली आई हुई है, जुल्कर नैन आए हुए हैं, तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक सारे ही हम ना इस तरह यूट्यूबर्स जो है वहाँ पे इकट्ठे थे, अल्लाह की तरफ से हम इकट्ठे हो गए, बस कुछ अल्लाह ने ऐसा कोई मीटअप लिखा हुआ था। तो खैर अल्लाह करे आपको जगह मिल जाए और हम चाय पी लें। और फाइनली जी हमने चाय ले ली है, ठीक है, चाय बड़ी मज़े की है और अब हम निकल रहे हैं सीधा घर। और अभी हमने चाय पी और साथ ही जो बारिश है वो शुरू हो गई, इतना माशाल्लाह से कोई प्यारा मौसम लग रहा है ना यार, रात का सफ़र, प्यारा प्यारा मौसम, चाय भी पी ली है। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ाहिर सीधा घर, थोड़ा सा फ्यूल जो है वो डलवाते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी यार बारिश हो रही है। तो मामा ने खोल दी है, बारिश की और हम जी पहुंच गए घर। मैंने कहा बाहर बारिश अभी तक हो रही है तो इस तरह करें अंदर ही पार करें, अंदर ही जाकर उतरने वो कहीं गई हुई है। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए, माना को ना हम सुबह लेंगे। चलें जी अब अपना सामान शामान निकालते हैं, ठीक है, और रेस्ट करते हैं। और अभी हम घर आए हैं, मैंने कहा मैं सबसे पहले रूम समेट लूं, और ये जो लड़की है इसने विग मेरी लगा ली है, मैंने जो एक्सटेंशन उतारी है वो रुषा ने लगा ली। रुषा कोई काम करा दो यार, अच्छा, कोई मां की चीज समेट दो। कि मुझे छोटे बाल कैसे लग रहे हैं? बहुत बुरे, सबने कमेंट करना है बहुत बुरे, जो बहुत अच्छा कमेंट करेगा ना रुषा को बुरे लग रहे हैं, बाल छोटे होने वाले। और ये नहीं कि माँ के कोई कपड़े शपड़े समेटे, कोई माँ के साथ हेल्प कराए। अभी मैंने कहा कि मैं पहले रूम वगैरह समेट लूं। पापा कैसे लग रहे हैं? बहुत बुरे लग रहे हैं, बशीर से कहें कि से बहुत बुरे लग रहे हैं बाल। अच्छे लग रहे हैं? पापा भी कह रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं। पापा ने बाल कटवा लिए। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बालों की इस टाइम ये हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, एक घंटा मैं सोऊंगी फिर उठ के सैरी करूंगी, मौसम तो ठंडा हो गया, ठंडा ठंडा रोज़ा फिर रखेंगे। आज खैर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जब मैं पूरियों में भी फिर रही थी इतनी गर्मी थी और ऊपर से रश, इतना रश था ना कि मैं हैरान होगी देख के कि यार क्या करेंगे ना, इतने रश से निकलना ही मुश्किल है। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में हमेशा 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 याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।